शाबुंग को गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सबके स्वस्थ रहेंगे। तो अभी सुबह सुबह मैं गार्डन घूमने आ गई और मेरा गार्डन में ऐसे बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए अभी दिखाती हूँ कि कौन सा चीज़ है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। अभी सुबह सुबह थोड़ा मौसम क्लाउडी है, इसलिए इतना क्लियर नहीं आ रहा है। अभी जो मेरा एडेनियम का भी फ्लावरिंग बंद हो गया है, ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुआ है, इसमें खाली पत्तियाँ ही पत्तियाँ भर गया है, फ्लावरिंग अभी नहीं हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितने सारे सीड पॉट हुआ है एक ही प्लांट में। यहाँ देख रहे हैं ये जो सिंगल एक ही तरफ से हुआ है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए पर ये एक ही तरफ से इधर हुआ है, एक प्लांट में एक हुआ है। इधर आप लोग देख रहे हैं ये प्लांट, इसमें यहाँ पर भी सीड पॉट हुआ है। और इधर आप लोग देख रहे हैं इधर भी इतने बड़े साइज का सीड पॉट हुआ है। सारे प्लांट्स में एक एक दो दो करके सीड पॉट हुआ है। यहाँ दो सीड पॉट हुआ है एक ही प्लांट में, यहाँ दो, ये एक हुआ इधर, ये ब्रांच में एक हुआ है, इधर ये प्लांट में भी हुआ है, इधर भी हुआ है। ये झुक जा रहा है, इसे भारी हो जाता है। यहाँ ये प्लांट में तीन सीट पोट हुआ है, इधर ही सूख जा रहा है पर इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीट तो इधर से है। जितना यहाँ सूखना था बहुत दिन से सूखा है पर इधर जो है ये बहुत स्वस्थ है, इधर सीड अंदर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सीड डेवलप होने में। तो आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं मेरे जितने भी एडेनियम का प्लांट है ये सब मेरा ऐसे ही सीड पॉट से बनाया हुआ है। मैं एक ही मेरा मदर प्लांट था उसी में से इतने सारे मैं एडेनियम का प्लांट लगाई हूँ और अभी आप लोग देख रहे हैं इतने सारे सीड पॉट हुआ है। इसी में से मैं और भी सीड पॉट से बेबी प्लांट लगा सकती हूँ। ये है मेरे एक साल का। तो एडेनियम जो सिंगल पेटल्स ये वाला बहुत आसानी से लग जाता है, ये नॉर्मल वैरायटी का जो है। और जो ग्राफ्टिंग वाला उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें फ्लावरिंग भी मेरा तो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा एक था जो ग्राफ्टिंग वाला, आप लोग को पहले से भी बताई थी कि यहाँ पर मेरा एक ग्राफ्टिंग वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रहा था पर लास्ट में जस्ट खिलने वाला रहता है और झड़ जाता है। और बाकी जो जितना भी है मेरा सब नॉर्मल एडेनियम है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग भी होता है इसमें, और इसको इतना ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है बाकी प्लांट से, इसको बहुत आराम से ये सब सर्वाइव कर पाता है। स्वीट पॉट से आप लोग अपने खुद के लिए भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और इसे बेबी प्लांट किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो और हो सके तो इसको कम रेट में भी आप लोग बेच सकते हैं। और अभी मेरे इतने सारे हैं और बहुत आसानी से इसको जब लगाएंगे, इसको आगे क्या करना है उसके बारे में आप लोग से शेयर करूँगी। जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, ब्राउन होने लगेगा, तो इसको उस सूता से इसको हम लोग बांधना पड़ेगा क्योंकि इसे नहीं करने से पक जाने के बाद अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और इसका सीड इधर उधर बिखर जाता है। तो इसके लिए हम लोग को इसको बांधना पड़ेगा। इसको लगाने का ये है, हम लोग इस कोकोपीट में मैं एक बार की थी पर उसमें पानी हमेशा उसमें मॉइस्ट रहता है ना, तो सीट सब गल जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसको जितना हो सके आप लोग साइड में ही इसका सीट को लगाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से इस ग्रो होता है और मैं 100% उसमें सक्सेस मुझे मिला है। तो आप लोग जब भी इसको लगाएंगे तो इसका सीट पॉट तो बालू से ही, मतलब बालू में ही लगाइएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।